और आइए बात करते हैं नवरात्र की। आज से चैत्र नवरात्र का आरंभ हो गया है। पूरे 9 दिनों तक अब माँ दुर्गा की उपासना का उत्सव मनाया जाएगा। आज से शुरू होने वाला नवरात्र का पावन पर्व 21 अप्रैल तक चलेगा और आज चैत्र नवरात्र के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो जाती है। और ये कहा जाए कि अब एक अलग आस्था का पर्व ये मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना का प्रभाव भी है। अब सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली का प्रसिद्ध झंडे वाला मंदिर का, जहाँ से मेरी सहयोगी दामिनी शर्मा मेरे साथ में है। दामिनी, आज है पहला दिन नवरात्र का, लेकिन कोरोना भी है ये कहा जाए तो किस तरह से आज आरंभ देखा जा रहा है, श्रद्धालुओं में कितनी आस्था नजर आती है? जी नैना, इस वक्त मैं दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में हूँ, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली का ये जो झंडे वाला मंदिर है वो बंद किया गया है। जो मेन गेट है इस मंदिर का वो बंद किया गया है, लेकिन लोगों के मन में आप यहाँ पे श्रद्धा तब भी देख सकते हैं कि कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं और माता के बाहर से ही वो गेट से ही दर्शन करके और हाथ जोड़ के यहाँ पर जा रहे हैं। हालाँकि भक्तों के लिए जो सुबह की आरती हुई थी उसके लिए यहाँ पे उन्होंने स्पीकर्स लगा रखे हैं ताकि भक्त अपनी माता की आरती को सुन सकें, और भक्त जो है सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर आना जाना शुरू है। और यहाँ पर चाहे कितना श्रद्धा आप देख सकते हैं भक्तों की, सुबह से ही यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गेट जो बंद है ये मंदिर के बंद किए गए हैं कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, लेकिन दामिनी ये भी ज़रा बताइए कि कोरोना की गाइडलाइंस के साथ में पट तो बंद किए, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुँचे उनके लिए भी किस तरह से व्यवस्था है, लेकिन अगर बात हो पाए तो उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि अब वो कैसे नवरात्र का पर्व मनाएंगे। और आसपास भी दिखाइए कि आखिर क्या अभी जो हर बार झंडे वाला हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा रहता था, कोरोना का प्रभाव इस दौरान क्या नजर आता है? जी नैना, जो हर साल कोरोना के बावजूद जो यहाँ पे भीड़ रहती थी, लेकिन अभी इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो जो कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए भक्त खुद से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके चेहरे पे यहाँ पे आपको मास्क नज़र आएगा। हालांकि यहाँ पर इतने लोग नहीं हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग आपको थोड़ी सी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अभी बहुत कम लोग हैं हर साल की अपेक्षा में। पहले तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भक्त आया करते थे माता के दर्शन के लिए, लेकिन इस वक्त जो गेट बंद किए गए हैं, द्वार बंद किए हैं माता के, लेकिन जो भक्त हैं यहाँ पर फिर भी आ रहे हैं, दूर दूर से, काफ़ी दूर से लोग आए थे। हालांकि मैं बात नहीं कर पा रही क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर भी मैं खड़े हुए हैं। कोई बात नहीं दामिनी, कोई बात नहीं, यहाँ पे श्रद्धालुओं की तस्वीर नज़र आ रही है। कहा जाए कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। जानकारी के लिए दामिनी आपका शुक्रिया।